दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5G और 4G मोबाइल के बारे में, क्योंकि अगर आप रिसेंटली अभी अभी जो है एक मोबाइल परचेस करने जा रहे हो, आप भी कंफ्यूज होकर रहते हो कि कौन सा मोबाइल खरीदे, 5G लें या 4G लें, क्योंकि 5G जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी अभी जो है 5G लॉन्च हुआ है और धीरे धीरे जो है हर एक सिटी में आने वाला है, और 4G का मोबाइल जो है थोड़ा कम रेट में भी आ जाएगा, और आपका अगर बजट कम है तो आप क्या लोगे, कंफ्यूज हो क्या ले क्या नहीं ले, कौन सा कंपनी ले। देखिए दोस्तों, मैं एक टेक्नीशियन हूं और मेरे पास जो है बहुत सारा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है। कौन सा मोबाइल कम रिपेयरिंग के लिए आता है, या तो कौन सा मोबाइल में सबसे कम प्रॉब्लम आता है, आपको कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा रहेगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और अगर आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देख लो, उसके बाद आपका टोटली सब कंफ्यूज दूर हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से कोई अच्छा कंपनी का या तो अच्छा मोबाइल ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 5G और 4G मोबाइल में कंफ्यूज हो कि कौन सा ले कौन सा नहीं, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि 4G मोबाइल और मत लेना, 5G मोबाइल डायरेक्ट खरीद लो, क्योंकि अभी अभी जो है जान सकते हो कि बहुत सारा सिटी में 5G लॉन्च हो चुका है और कभी भी आपका सिटी में आ सकता है, मतलब कभी भी हो सके, एक दो महीना, तीन महीना, छह महीना के अंदर आ सकता है। देखिए दोस्तों, मोबाइल जब भी आप परचेस करते हो तो दो महीना छह महीने के लिए तो आप परचेस नहीं करते हो। अगर आप दो महीना छह महीने के लिए परचेस करते हो, छह महीना में आप मोबाइल चेंज कर देते हो सके आप 4G मोबाइल ले सकते हो, मतलब अभी जो है अच्छा परफॉर्मेंस वाला कोई भी 4G मोबाइल ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बोलूंगा 5G ले लो, क्योंकि अगर आप छह महीना के अंदर आपका 5G आ जाता है तो तब आप सोचोगे कि मैं अगर 5G मोबाइल ले लेता तो मैं भी 5G यूज कर सकता था। तो आपका कंफ्यूज दूर हो चुका होगा कि 5G लें या 4G, क्योंकि 5G बेस्ट रहेगा, क्योंकि लगभग उसी बजट में आपको 5G मिल जाएगा, 4G का बजट में ही 5G मिल जाएगा, 1,500-2,000 रुपया ज्यादा है हर एक डिवाइस में। तो आप कोशिश करके 5G लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, इधर रेडमी और पोको का डिवाइस एकदम नहीं खरीदना, क्योंकि रेडमी और पोको डिवाइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इतना प्रॉब्लम आ रहा है मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों मैंने जितना देखा है कि अगर 100 कस्टमर आता है मेरे पास, तो 80 कस्टमर जो है पोको और रेडमी डिवाइस लेके आता है, सबसे कम आता है वीवो और ओप्पो का मोबाइल। लेकिन एक चीज इधर मैं आपको बताऊंगा, वीवो और ओप्पो का मोबाइल जो है थोड़ा बजट ज्यादा होता है, और अगर आपको बजट अच्छा चाहिए तो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन है, रियलमी का मोबाइल आराम से ले सकते हो। रियलमी का मोबाइल जो है प्रॉब्लम भी कम आता है, और उसमें जो है आपको अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाता है, अच्छा बैटरी भी मिल जाता है, और सब कुछ उसमें अच्छा ही आता है, और सबसे बड़ी बात है वो जो है लॉन्ग टाइम के लिए चलता भी है और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब आप अगर बजट रेट में खरीदना चाहते हो 15-17,000-20,000 के अंदर, तो आप रियलमी के ऊपर आंखें बंद करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के मना करता हूं कि आप रेडमी और पोको डिवाइस एकदम मत लेना, क्योंकि 6 महीना क्या 15-20 दिन नहीं जाता है, उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सर्विस सेंटर वालों का तो भाई अलग एक नखरा है, जब जाओगे तो इधर थोड़ा सा स्क्रैच हो गया तो भाई ये जो है अभी वारंटी में क्लेम नहीं होगा, बहुत सारा नखरा है। तो आप अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप आराम से वीवो, ओप्पो, सैमसंग कुछ भी कंपनी के ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 15,000-16,000-17,000 के अंदर बजट है, तो आप आंखें बंद करके रियलमी में जा सकते हो। उसमें जो है आपको वैल्यू फॉर मनी भी मिलेगा, आपको अच्छा डिवाइस भी मिलेगा, और अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा, और लॉन्ग लास्टिंग आपका मोबाइल भी मिल जाएगा। तो ये होता है सबसे अच्छा। और दूसरा में ऑप्शन आता है कि आप सैमसंग के ऊपर जा सकते हो, थोड़ा सा आपको बजट ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसका भी डिवाइस जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। सैमसंग का डिवाइस जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि मैंने देखा है सैमसंग का J2 J7 कब लॉन्च हुआ था, जब 4G आया था, तब भी अभी भी वो चीज जो है अच्छा चल रहा है। हाँ एक चीज है, थोड़ा हैंग होता है, लेकिन आपका मोबाइल लॉन्ग लास्टिंग करेगा। आपको क्या देखना है, परफॉर्मेंस देखना है या तो लंबा टाइम तक चलाना है, वो चीज आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो रियलमी में जा सकते हो, अगर आपको लंबा टाइम तक मोबाइल रखना है तो आप सैमसंग के जा सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, में आपका टोटली सब कुछ कंफ्यूज जो है मैं दूर कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।